नमस्कार, मैं संजीव। आज फिर से SD स्पोर्ट्स स्टूडियोज के इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आज ऐसा शख्सियत, पहचान के मोहताज नहीं, क्रिकेट के फील्ड में हमेशा से देखा जाता है उनकी या उनसे या उनके लिए बात करने से पहले मैं और एक शख्स है हमारे साथ, अमीरुल इस्लाम, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। अमीरुल, जब किसी भी टूर्नामेंट में हम और आप रहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होता है, वहाँ पर YouTube में एक कमेंट आता है, क्या कमेंट आता है, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। कमेंट एक ही आता है, क्या सरफराज बाबू खेल रहा है, सरफराज बोली तो टीम से खेल रही है, बस यही सवाल आते ही रहता है, आते ही रहता है। तो आज स्वागत है सरफराज जी बंगाल में, आप बंगाल में बहुत सारे मैच खेले हैं। सरफराज बाहुबली नाम तो आया, किस हिसाब से आया आपसे, हम लोग सुने थे विधाननगर की ग्राउंड पे, और अभी आप कैसे हैं और टेनिस क्रिकेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बंगाल क्रिकेट का भी बहुत शुक्रिया, जो कि पूरे भारत में टेनिस क्रिकेट को सबसे आगे ले जाने का काम बंगाल से शुरू होता है, और पूरे इंडिया से प्लेयर्स आके यहाँ पे 3-4 महीने पूरे इंडिया के टाइम में जो भी बड़ा बड़ा प्लेयर है सब बंगाल से ही मतलब हाईलाइट आया टेनिस क्रिकेट में भी, तो बहुत बंगाल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी बंगाल में बहुत सारे टूर्नामेंट बड़े बड़े हुए, अभी जस्ट हाल में इंडिया कप हुआ, बिग बैश हुआ, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे खेल के बंगाल में। आप सिवान से हैं, बिहार क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं सिवान से हूँ, सबसे आखिरी छोर से हूँ, वहाँ से यूपी का स्टार्टिंग होता है और सबसे एंड पॉइंट पे हम लोग आए हैं, काफ़ी दूर से चल के यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। और अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना हुआ और कैमरा वगैरह का, तो बिहार क्रिकेट भी पिछले 2-3 साल से बहुत ही ऊपर गया है, देख के ही जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हुए हमारे बंगाल में, आप लोग भी देख रहे होंगे, जैसे SR कप हो गया और मीना देवी हुआ और हम लोग की तरफ टाटा टियागो कप हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट मेरे बिहार में भी होने लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हर जगह पे बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है और बिहार से बंगाल का दूरी है नहीं, सटा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही और भी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स हो टेनिस क्रिकेट में। हमारे सीनियर्स पहले क्या कहा करते थे कि आप ये क्या टेनिस खेल रहे, लेदर खेलो, और ये देखिए अभी टेनिस कहाँ स्ट्रीट टू स्टेडियम पहुँच गया है, जैसे उसका नमूना है इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, तो क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा लगता है, अब जैसे हर जगह पे लेदर का उतना बिहार में पहले मान्यता नहीं था, तो टेनिस क्रिकेट ही हर जगह पे होता था, तो लोगों को अच्छा लगने लगा धीरे धीरे टेनिस क्रिकेट देखने, तो ये सब पब्लिक का प्यार है जो रोड से उठा के उसको ग्राउंड तक लेके गया है, तो पब्लिक काफ़ी पसंद करता है। अभी भी आपने देखा कि जो ISPL हुआ था उसमें कितना भीड़ हुआ था फाइनल में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हर गांव-गांव गली-गली में लेदर नहीं हो पाता है टूर्नामेंट, लेकिन टेनिस का टूर्नामेंट हर गांव हर गली होता है, तो लोग काफ़ी मज़ा ले रहे हैं अभी उस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये लोग खुश हैं तो सब अच्छा है। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, सरफराज खान एक पहले प्लेयर थे, उसके बाद सरफराज बाहुबली बने, और सरफराज बाहुबली आज एक ब्रांड है, खासकर टेनिस क्रिकेट में सरफराज बाहुबली एक ब्रांड है, ये ऑन द माइक बोलिए, ऑन द स्क्रीन बोलिए, हम लोग एकदम सीना फाड़ के बोल सकते हैं जब हम लोग रहते हैं माइक, और बिल्कुल खाली ये नहीं कि हम लोग मुंह जुबानी बोल रहे हैं, आप ग्राउंड में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का संदेश क्या, बस यही है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी भी इसको मजाक में मत खेलिए, जो भी क्रिकेट है। हर कोई टेनिस प्लेयर में ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिस करता है बहुत ज़्यादा, चाहे कोई गाँव घर से उठ के आता है, तो आप मजाक करिएगा तो उसमें अभी के टाइम में आपका फ्यूचर भी खराब होगा, चाहे कुछ भी होगा, तो अगर आप खेल रहे हैं टेनिस क्रिकेट ही, आप आज के टाइम में आप खेल रहे हैं, तो उसको ही पूरा मन लगा के खेलिए, कभी मजाक मत करिए उसको, क्योंकि इसमें भी अगर आप अच्छा करिएगा तो इसमें भी बहुत आगे तक आप खेल सकते हैं। थैंक यू सरफराज। संजीव, आप थोड़ा पूछिए अपने हिसाब से। जी हाँ, सरफराज बाहुबली आज हमारे साथ हैं, थोड़ा सा समय बिताने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने कहा इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, इंडिया कप में आपको देखा, वहाँ पर बिहार और झारखंड के टीम की तरफ से थे आप, थे अनुभव सिंह थे वहाँ पर, उसके बाद बिट्टू मैक्सी जैसे खिलाड़ी थे, रविजा जैसे खिलाड़ी थे, तो आप लोग कंटिन्यू वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं एक साथ एक टीम में रहकर, तो वहाँ पर बाउंडिंग बनाने में आसानी रही होगी? जी नहीं, इस बार तो उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिहार को एंट्री मिला था उतना बड़ा टूर्नामेंट में, तो टाइम भी नहीं मिल पाया कि पूरे बिहार से हम लोग लड़के को मतलब सिलेक्ट कर पाए, कुछ थोड़ा बहुत गलती हुआ था जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, तो अब फर्स्ट टाइम था तो एक्सपीरियंस नहीं था हम सबको, और
हम लोग खेलते ऐसे तो जो भी प्लेयर्स थे उसमें तो बहुत सारे टूर्नामेंट एक साथ नहीं खेले, जैसे अलग अलग टीम से हम लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे जानते हैं सभी लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से, लेकिन जो बॉन्डिंग बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया था जो आप लोगों ने सबने देखा।